देखिए बाबू की मस्ती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बाबू तैयार होके देखिए जा रहा है स्कूल। सुबह सुबह आज से बाबू का स्कूल शुरू हो गया है और बाबू के जाने के बाद मैं उसके लिए तो पोहा बना के दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी कुछ खा लूँ, तो मैंने ऐसी नॉर्मली मैगी बनाई और उसी को खा लिया है। कोई बहुत ज़्यादा इस पर मैंने कुछ नहीं डाला, बस सिंपल सी मैगी बना ली थी उसे पानी में बॉइल करके। मुझे ऐसे ही खाना पसंद है मैगी फ्रेंड्स। तो बस मैंने ये खाने के बाद नहाने की तैयारी की और नहा के आ गई थी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। ठीक हूँ, आज मैं आई हूँ साड़ी में। प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा कैसी लग रही है मेरे ऊपर साड़ी। और मैं भी तैयार तो नहीं हुई हूँ, सिर्फ साड़ी बना ली हूँ और थोड़ा चूड़ी डाल ली उसी कलर की। मैंने चूड़ी में कभी नहीं पहनती हूँ, फिर भी मैंने पहन लिया साड़ी में। मैं खुद डाल लेती हूँ। बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। और आज के ब्लॉग में साड़ी के साथ शुरू कर रही हूँ फ्रेंड्स। अभी बन रहा है मेरा खाना। खाने में मैंने दाल पका लिया है और अभी पका रहा हूँ चावल। और धुएँ निकल रहे हैं, दिख रहे हैं एकदम गर्म और गर्म स्टीम। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स वो कर लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ। बाय बाय, ठीक है। थोड़ा सा तैयार भी हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा फेस दिख रहा है, ऑयल दिख रहा है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं आज थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और साड़ी ब्लॉग तो मैं चला ही रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार भी हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल ब्लॉग रहता है मेरा। आप लोग सोचते होंगे कि कुछ पहनती नहीं, बस ऐसे सो के उठती और आ जाती। तो मैं आज साड़ी पहनी हूँ और आज भूचाल आ रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा। हाँ बेटा तू भी आएगा, ये देखिए ये जनाब मेरे परेशान करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मैं साड़ी पहन के आई हूँ और थोड़ा तैयार भी हुई हूँ, तो प्लीज बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी तो नहीं लग रही हूँ, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं पहन लूँ। साड़ी पहनना चाहिए इंसान को कभी कभी, वैसे हम साड़ी नहीं पहन पाते हैं ज़्यादा। तो मैंने आज साड़ी पहन के आपके सामने दिखाया है ताकि आपको भी लगे कि हाँ थोड़ा सा कुछ आज नया था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि नाइस वीडियो, ये नाइस शेयरिंग रहता है हमेशा ही, लेकिन आज बताइएगा कि साड़ी मैं पहनी थी तो साड़ी कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ क्योंकि मैं इतना, मुझे बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है पहनने के बाद। तो बस ब्लॉग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये पहन लिया था, कोई शादी पार्टी नहीं चल रही है यहाँ। तो चलिए निकाल के मिलूंगी, ये सारी चीज़ें हटा के साड़ी के साथ मिलूंगी। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स आइए, क्या कर रही हूँ देखिए, खाना निकालो, खाने की तैयारी चल रही है। उसके बाद खाना देना है। क्या बोल रही थी मैडम, इधर आओ, खोला चाहिए। बताए नहीं क्या पढ़ के आए हो आज ना दिला। इधर आ जाओ, थोड़ा सा हमसे भी बता दो क्या क्या पढ़ रहे हो। गोल्ड पेंसिल तो बैग कर, नहीं पेंसिल बैग में है, देखते हैं। खाना खा लिया थे पूरा? हाँ खाना तो पहले खाया होगा, पहले खाना खाया होगा फिर घूमा होगा, पढ़ाई में करने थोड़ी गया था। बैग में ना लो मत, फिर कोई डर ना, आप अच्छे बच्चे हो ना, बैग में डालो अपने। वो बहुत अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है कि उससे ज्यादा शैतान कोई है ही नहीं। तो खाना लग चुका है, खाना दिखाओ। ये खाना लग चुका है,
तो ये खाना देखिए लग गया है फ्रेंड्स, और अब खाने की तैयारियां होगी। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, तो इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं दोपहर का खाना वाना खा के रेस्ट करने चली गई, फिर अभी सोच रही हूँ रेस्ट आपसे कुछ कर लो बातें। तो कैसे फ्रेंड्स, चटनी अच्छी बनी और बस अभी मैं चाय बनाने की मूड में थी, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करते करते चाय बन जाएगी, तो चाय बनाती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी बना रही हूँ मैं चाय, और मैंने बताया था कि मैं सारी ब्लॉग ज़्यादा टाइम तक नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया अपना ड्रेस। सो तो फिर मैं साड़ी में नहीं सो पाती हूँ, साड़ी में मुझे कम्फर्ट लगता है, तो मैं जब आराम से पहले करने गई तो साड़ी लगाती हूँ फ्रेंड्स। और अभी बना रही हूँ चाय, चूड़ियाँ बस नहीं निकाली हैं, अगर चूड़ियाँ निकाल दूँगी चूड़ियाँ तो रात में निकाल दूँ चूड़ियाँ भी। अभी तो टाइम और फ्रेंड्स की चाय के बाद बनाऊँगी खाना, खाने में बनाना है दाल रखी हुई, उसको फ्राई करूँगी टमाटो डाल के और रोटी बनाऊँगी, दाल और रोटी पसंद का, क्योंकि सब्जी खाने का मूड नहीं है आज, और आमलेट वगैरह फ्राई कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चाय बनाने के लिए मिलती हूँ। तो मेरी चाय बन चुकी है और मैं चाय को ले फ्रेंड्स अभी पी रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद क्या करूँगी, चाय तो बहुत ही यम्मी बनी है फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद बाबू को खाना खिलाऊँगी, और खाना खिलाने के बाद खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था दाल फ्राई करके और रोटी बनाऊँगी, बट अचानक से मूड चेंज हुआ और हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं था, दाल चावल भी बचा हुआ था दोपहर का। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।